हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ पालक और ब्रेड की बहुत ही नई और यूनिक रेसिपी। सर्दी बहुत पड़ रही है, ऐसे मौसम में बनाइए पालक और ब्रेड का एकदम नया नाश्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ ये 250 ग्राम पालक लिया है। इसको अच्छे से साफ करके फिर लिया है मैंने। अब इसको अच्छे से धो लेना है। तो ये इस तरह से मैंने इसको देखिए धो लिया है, क्योंकि हम बाजार से जो पालक लाते हैं उस पर धूल मिट्टी रहती है, तो धोने से क्या है अच्छे से साफ हो जाता है। इसलिए पालक को जब भी यूज करें तो सबसे पहले उसको धो के फिर काम में लेना चाहिए। अब यहाँ ले लेना है मिक्सर ग्राइंडर, इसमें डाल देंगे पालक को। तो इसमें सारे पालक को मैंने यहाँ इस तरह से डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसमें, क्योंकि बिना पानी ऐड किए पालक अच्छे से बारीक नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है। तो ये देखिए पालक का इस तरह से ये बैटर बन के तैयार हो चुका है। अब इसको एक बाउल में खाली कर लेना है। तो यहाँ इस तरह से एक बाउल लेना है इस तरह का, इसमें इस बैटर को खाली कर लेना है। अब इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च के पेस्ट और एक प्याज का। हरी मिर्च और प्याज दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स करके फिर पेस्ट बनाया है। और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काला नमक और थोड़ा सा स्वादानुसार सफेद नमक। इसी के साथ यहाँ ले लिया है मैंने 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अजवाइन हथेली पर अच्छे से क्रश करके। मसाले सारे ऐड करना है। अगर सारे काली मिर्च वगैरह सब ऐड करोगे तो नाश्ता एकदम चटपटा बनेगा। और यहाँ लिया है मैंने 5-6 चम्मच टेबल स्पून इतना बेसन, यानी 1 कटोरी इतना बेसन का यहाँ मैंने यूज किया है। कोई सी भी एक छोटी कटोरी ले लेना है, उससे नाप के 1 कटोरी बेसन का यूज यहाँ कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह का यहाँ बैटर बना लेना है। थोड़ा बैटर ढीला लग रहा है, इसलिए और थोड़ा बेसन और ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि बेसन की क्वांटिटी आप अपने आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हो। बस हमारा बैटर इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी मैं बता दूंगी आपको कि हमारा बैटर इस तरह का रहना चाहिए, क्योंकि ढीला बैटर रहेगा ये देखिए इस तरह का हमारा बैटर बना होना चाहिए। तो ये हमारा गोल एकदम रेडी है। अब एक ब्रेड लेना है और इस बैटर में इस तरह से डुबोकर, और इधर मैंने तेल गरम चढ़ा दिया था, तो इसमें एक एक ब्रेड को इस तरह से डुबोकर फिर तेल में निकाल लेना है, फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहो तो इस तरह से ब्रेड को इस बैटर में डुबो के तवे पे भी इसको सेक सकते हो। तो इस तरह से इनको फ्राई करना है, दोनों साइडों से उलट पुलट करते हुए। अच्छा सुनहरा होने तक। तो ये देखिए एक साइड हमारी पक चुकी है। अब इसको इनको इस तरह से पलट देना है, और जब तक दूसरी साइड नहीं पक जाती है तब तक इनको ऐसे
चलाना है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ज़रा सी भी रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखें। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट और नई रेसिपी है। तो देखिए दोनों साइड से हमारे पालक पकोड़े, पालक इनको आप पालक ब्रेड पकोड़े बोल सकते हो। तो इसी तरह आवश्यकता अनुसार ब्रेड को उस बैटर में डुबो कर फ्राई कर लेना है। अगर आप ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहते हो तो इनको तवे पे भी पका सकते हो, जैसे चीले बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ब्रेड का टेस्टी से नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। अब एक प्लेट ले लेंगे और इनको इस तरह से बीच में कट करके और फिर सर्व कर देंगे। अब इसको आप चाहो तो इमली की चटनी, टमाटर सॉस किसी के भी साथ, दही, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे उनके साथ इनको खा सकते हो। तो देखिए ये हमारा पालक और ब्रेड का पकोड़ा बनके तैयार हो चुका है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।